to my channel Microbiology with Uriya Khan. So today our topic is preliminaries to the collection of data. It's mean we will discuss about the primary collection of data and how can you collect data in easy way. So there is so many ways that you can collect your information from anywhere. So firstly, we will discuss about the definition of collection of data. Collection of reliable and suitable data is very much important because the final conclusion is based on the data. It's mean it's very necessary that you can collect your data. ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट कलेक्शन ऑफ डेटा यू यू डिडेंट नो हाउ टू रिसर्च ऑन एनी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्योंकि अगर आपके पास डेटा नहीं होगा डिफरेंट सिटीज़ का या फिर बैक्टीरिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप उस पर रिसर्च नहीं कर सकते. उसके बाद आता है स्कोप ऑफ द रिसर्च, कि रिसर्च का स्कोप क्या है, हम क्यों रिसर्च करते हैं. How particular research is going to benefit the scholar and the community human being at large. How a particular research is going to open new doors in the future for future scientist. Means ke research ek bahut important cheez hai. Research jo hai hamare liye new doors open karti hai ke hum kis cheez ka ilaaj kaun kaun se tarike se kar sakte hain. To ye sari cheeze hame research work se hi pata chalti hain aur totally ye biostatistics mein hi hum discuss karte hain. उसके बाद इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च के. व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आप क्या पहले आपको सोचना है कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. लेट्स से यू डिड नॉट सेट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बिफोर द डेटा कलेक्शन, देन देयर आर चांस डेट योर रिसर्च में टर्न आउट टू बी यूजलेस. मीन्स अगर आपने एक सोच या आपका कोई एम वगैरह नहीं है कि हम क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपकी वो रिसर्च यूजलेस होगी. क्यों यूजलेस होगी, क्योंकि आपका कोई एम नहीं है. इसी तरह से अगर आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं बिना मकसद के तो उस वो भी यूजलेस है. उसके बाद हमारे पास दो तरह के डेटा हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा हेयर्स, वी विल डिस्कस अबाउट दे इन माय वीडियोस. नेचर एंड टाइप ऑफ द डेटा. प्राइमरी डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा. मीन्स जो डेटा आप सबसे पहले कलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी डेटा होगा. दैन सेकेंडरी डेटा, डेटा डेट हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एंड द रिकॉर्ड ऑफ दैट इज़ अवेलेबल, लाइक बुक्स, जर्नल्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड ईटीसी. सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो आप बुक्स या जर्नल्स वगैरह से लेते हैं, दैट इज़ का सेकेंडरी डेटा. और प्राइमरी डेटा वो डेटा होगा जो आप खुद से कलेक्ट कर रहे हैं, जो आपका खुद का वर्क हो. उसके बाद रेगुलर डेटा, रेगुलर मीन्स क्या, जो आप कंटिन्यूसली बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब रोज़ाना उसको रिकॉर्ड में रख रहे हैं. उसके बाद एडोक, एडोक मीन्स के आपने मतलब के वंस अ व्हाइल आपने एक बार एक डेटा कलेक्ट कर लिया, बस उसी पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसको एडोक कहते हैं. उसके बाद सीक्रेट, सीक्रेट मतलब वो डेटा जो आप हाइड करके लोगों से रख रहे हैं, फिर आपने जब उस पर रिसर्च किया, आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई, सक्सेसफुल हुई, फिर आप वो पब्लिक में पब्लिश करते हैं या शो करते हैं. तो इसके हम डेफिनेशन से भी समझते हैं. फॉर सम रिसर्चर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द डेटा कलेक्शन प्रोसेस एंड रिजल्ट सीक्रेट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी एंड इथिकल पर्पसेस. और ये आप अपनी सिक्योरिटी के लिए भी करते हैं कि कोई और आपका काम ना करे या कॉपी ना करे, दूसरे रिसर्च ना करे. ओपन मतलब सम रिसर्चर्स डू नॉट रिक्वायर सच प्रिकॉशंस, यानी कि ओपन रिसर्च वो होती है जो आप सबके सामने कर रहे हैं या ओपनली कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओपन रिसर्च. उसके बाद कैंसियस इंक्वायरी, कैंसियस इंक्वायरी हम इसी में आती है, उसमें आते हैं. इन अ स्टैटिकल इंक्वायरी ऑल द आइटम्स विच फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ इंक्वायरी आर नोन एज पॉपुलेशन और यूनिवर्स. इट्स मीन इसका मतलब क्या होता है कि इसमें पॉपुलेशन और यूनिवर्स दोनों आ जाता है. मीन्स कि आप अगर एक पॉपुलेशन को लेकर कोई भी रिसर्च कर रहे हैं या यूनिवर्स ओवरऑल पूरी दुनिया के कंपैरिजन में आप रिसर्च कर रहे हैं. इन अदर वर्ड द पॉपुलेशन इन अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन ऑफ द टाइप विच इज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड. अब अगर आप किसी भी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो कम्प्लीटली आप उस पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी एक
स्पीशी की बात कर लेते हैं, स्टेफाइलोकोकस, तो आपने वो आइसोलेट किया, आप ये देखेंगे कि हैदराबाद में इसकी कितनी स्पीशीज हैं या कितनी क्वांटिटी में ये ग्रो कर रहा है, इसके टोटल नंबर कितने हैं। इसी तरह आरबीसीज को आप जिस तरह देखते हैं कि ब्लड में कितने एक पर्सन के एक जो ब्लड में कितने आरबीसीज हैं, तो ये पॉपुलेशन आपको क्या एक मेजर आइडिया दे देती है किसी भी रिसर्च के लिए। उसके बाद सैम्पल इंक्वायरी में आ जाते हैं कि सैम्पलिंग के थ्रू आप करते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वो सैम्पलिंग कर लेते हैं कि आपने एक पूरे पॉपुलेशन से या एरिया से सैम्पल एक कलेक्ट किया, उसी के बेस पे आपने रिसर्च स्टार्ट कर दी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड द एंटायर पॉपुलेशन इन अ रिसर्च, सो मोस्ट स्टडीज आर डन ऑन सैम्पल, इट इज़ नेसेसरी टू यूज द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फॉर रिलायबल रिजल्ट। लेकिन वो जो आपने सैम्पल लिया है वो रिलायबल होना चाहिए आपके काम के लिए, तो ही आप जो है अपनी रिसर्च में कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। ठीक है, अब स्टेटिस्टिकली यूनिट्स क्या हैं, ये वो हैं कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले उसको मतलब खुद ही सेटिस्फिकेशन आपकी होना चाहिए, आप खुद ही सेटिस्फाई हों कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो सही भी है या नहीं, तो उस क्योंकि वो आपको स्टेटिस्टिकली यानी स्टेटिक्स के जो मेथड है उसको फॉलो करते हुए डेटा को कलेक्ट करना है। अब जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है, अब वो क्या है, अब जैसे एक बैक्टीरिया को बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उसके लिए सिर्फ हम जो है एक ही ड्रग यूज़ करें, बहुत सारे बैक्टीरिया को एक ही ड्रग है जो मार देगी, ठीक है, तो इसी तरह का एक सैंपल कलेक्शन होता है कि एक ही हम सैंपल ले लेते हैं और उसी पर काम करते हुए पूरे जो है एरिया का रिजल्ट दे देते हैं या पॉपुलेशन का रिजल्ट दे देते हैं। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है, द डेटा शुड बी कलेक्टेड एट मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब एक डेटा आपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में कलेक्ट किया और उस पर रिसर्च करते हुए अपने वर्क को कंप्लीट किया, दैट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीमिलियर्स ऑफ डेटा, मीन्स हाउ टू कलेक्ट डेटा एंड हाउ टू डू रिसर्च इन योर वर्क इन योर एनी फील्ड्स, so you can easily collect from using this method, okay, to using this method you can collect anything what you want, so it's all about my today lecture, so thanks for watching, if you any confusion any question please you can ask me, if you like my videos please like share and subscribe my channel, thanks for watching again, Allah Hafiz, inshallah we will meet again in my next video.